मतलब कॉन्फिडेंटली बात कर पा रहा हूँ आप सभी लोगों से। तो यानी इसका सबसे बड़ा बेस्ट मतलब अगर मैं आपको एक लाइन में बोलना चाहूं, किसी एक चीज में भी आप परिपक्व हो जाओ ना तो वो भी आपके जीवन में काफी है। और मेरे दादाजी अभी तो नहीं है इस दुनिया में, बट उनके टाइम पे जब मैं आई थिंक बात होगी 17-18 साल पुरानी, तो किसी हमारे दूर दराज में रिश्तेदार के लड़के का किसी का आईआईटी में एडमिशन हो गया था। पूरे में शोर मच गया था, आईआईटी में एडमिशन हो गया। तो मैंने कहा ऐसा क्या हो गया, बट जब बाद में पता चला वो भैया यहाँ तो स्टूडेंट्स का सपना होता है पढ़ने का, तो मैंने कहा कभी हमें भी मतलब मैं तो रुचि कभी आ भी जाता था तुम्हारे गेट के सामने से निकल जाता था, मैंने कहा अंदर तो आने का कभी मौका नहीं मिलेगा, बट आज यहाँ आप सभी लोगों के साथ बैठ के अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। और मैं कल भी कॉलेज के इवेंट में गया हुआ था, और कॉलेज के इवेंट में जाना और दूसरे इवेंट में जाने में ये डिफरेंस है कि कॉलेज की थोड़ी एनर्जी अलग होती है, और आप सभी लोग बेसिकली आने मतलब फ्यूचर में आप में से बहुत सारे लोग अलग अलग पदों पे होंगे, बहुत सारे लोग अच्छे अच्छे काम कर रहे होंगे, तो यू आर द फ्यूचर बेसिकली। एंड मैंने कल भी वहां पे एक बात बोल रहा था, पता नहीं आपको से कितने लोगों को समझ में आएगी, तख्त सजाया इथे तुसी ही बठाया तुहाडे ही प्यार दा सरूर हो गया, मसले उठाइए ना कि असले उठाइए, लोकी ना कहने गरूर हो गया। जब भी किसी से मतभेद हो ना, वो तुम्हारी बात ना मान रहा हो और तुम उसकी ना मान रहे हो, तो लड़ाइयां मत किया करो। मैं और कर सकता हूं, उसके दो रीजन है, एक तो मैं जिद्दी हूं, बट दूसरा मैं टाइम टू टाइम इन चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखता हूं कि मसाजेस करो, कैरोप्रैक्टर के पास जाओ, फिजियोथेरेपी करो, स्ट्रेचिंग करो, ठीक है, कूल डाउन, वार्म अप करना। तो सिर्फ जिम में जाके वेट उठाने के अलावा ये चीजें अराउंड में अगर आप उसके रखोगे तो बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आता है। यहीं पे मोस्ट ऑफ माय फ्रेंड्स आर हियर, सबका पैशन है टू हैव दैट गुड बॉडी एंड एवरीथिंग, एंड मोस्ट ऑफ देम आर फॉलोइंग बॉडी बिल्डिंग पैशनेटली एज़ वेल, बट एक सवाल एंड में आ जाता है कि हाउ डू वी मेक अ करियर इन इट वन, एंड क्या इस फील्ड में पैसा है, बिकॉज यहां से इंजीनियरिंग करके प्लेसमेंट लेके पैसा तो मिल रहा है, बट इन दिस फील्ड आपने जैसे यू आर इनटू एंटरप्रेन्योरशिप एज़ वेल, एंड आपने इसकी आपका पैशन है, यू मूव्ड फॉरवर्ड एंड यू बिल्ड थिंग्स इन दिस, तो कुछ टेक्निक्स, कुछ टिप्स फॉर दोस फॉर देम। देखो मुझे ये लगता है कि अगर आप होनहार हो तो आप किसी भी फील्ड में पैसा तो बना लोगे, ठीक है। अगर कोई भी इंसान ये बोलता है कि ये फील्ड खराब है या ये फील्ड खराब है या वो फील्ड खराब है, तो मुझे लगता है वो इंसान खराब है, ठीक है। क्योंकि आप अपनी लेजीनेस का, अपने आलसपन का घड़ा किसी और के सिर पे नहीं पोड़ सकते, ठीक है। बट आप सभी लोगों को एक बात समझनी पड़ेगी, कोई आपके लिए नहीं करेगा भाई। अगर कोई आपको बोलता है ना आपके कंधे पे हाथ रखे कि मैं तेरे लिए करूंगा या मैं तेरे लिए करूंगी, भूल जाओ भाई, एक दिन या 100 दिन, उससे ज्यादा कोई नहीं करेगा। तो जैसे मैं बोलता हूं कि अगर आज भी मैं यहां बैठा हूं तो मैं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बैठा हूं कि मैं यतिंदर सिंह की इमेज को यंगस्टर्स के सामने और इम्प्रूव करना चाहता हूं, तो बेसिकली आई एम अ फिजिकल लेबरर फॉर यतिंदर सिंह, ठीक है। तो यानी मैं हर दिन जब सुबह उठता हूं तो मुझे लगता है कि मुझे यतिंदर सिंह के लिए एक दो अच्छे काम तो करने हैं, या तो उसको कॉम्पिटिशन जितवाने हैं, या उसके और जिम्स खुलवाने हैं, या यूट्यूब में और कॉन्टेंट बनाना है, या इवेंट्स में जाना है, या फिर कॉलेजों में जाना है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मैं यतिंदर सिंह के लिए और डेली बेसिस करता रहता हूँ। तो इसीलिए आप सभी लोग अपने दिल पे हाथ रखो, अपना अपना नाम लो, और आज से सोचो कि आपको अपने लिए काम करना है। और दूसरा ये सोचो, आप तो बहुत लकी हो यार, आप आईआईटी में पढ़ते हो, बट यहां से आपके अच्छे ऑफकोर्स जॉब्स मिल जाएंगे, अच्छे अच्छी जगह प्लेसमेंट हो जाएंगी, बट जो लोग आईआईटी में जिनका एडमिशन नहीं हो पाया उनका क्या, बट अगर वो भी चाहेंगे तो वो किसी ना किसी फील्ड में अच्छा कर लेंगे। अगर मुझे डायरेक्टली कहना हो ना, मैं ये बोल सकता हूं कि फिटनेस में जितना पैसा है मुझे नहीं पता उतना पैसा शायद कोई और फील्ड में है या नहीं है। तो
ये कहना बंद करो कि बॉडी बिल्डर गरीब होते हैं, ठीक है। ऐसे थोड़ी यानी वर्साचे के चश्मे, वर्साचे के जूते, वर्साचे के टी शर्ट, मजाक बना रखे गए यार संजय। तो ये सिर्फ सिंपैथी लेने के लिए यार, ये नहीं है वो नहीं है, सब कुछ है। और टच वुड फॉर गॉड ग्रेस, मैं तो इस फील्ड में इतना अच्छा कर रहा हूँ, पैसे प्रोफेशनली भी, ठीक है, और भगवान की दुआ से पैसों की भी कमी नहीं है, और टच वुड भगवान की दुआ से प्यार की भी कमी नहीं है, ठीक है। बट ये आपको मानना पड़ेगा। तो फिर सर हम आपको मिस्टर ओलंपिया में कब देख रहे हैं? बट तुम सभी लोग इंटरेस्टेड हो कि कोई ना कोई इंडिया से ओलंपिया जाना चाहिए? यस सर, बिल्कुल सर। तो यानी जो जाएगा वो तो हीरो बन जाएगा? यस, आप हीरो से कम हो। अच्छा, नहीं नहीं, एक्चुअली मैं जिस फेडरेशन में खेलता हूँ, दैट इज IBBF, इंडियन बॉडी बिल्डर्स फेडरेशन, एंड दैट इज रिकॉग्नाइज्ड फेडरेशन फ्रॉम स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया, ठीक है। बट अगर लेट्स से मुझे ओलंपिया जाना है तो मुझे वो फेडरेशन स्विच करनी पड़ेगी, ठीक है, मुझे IFBB में जाना पड़ेगा। IFBB इज एन इंटरनेशनल फेडरेशन जो कि जिसके इंडिया में कॉम्पिटिशन होते हैं, प्रो कार्ड लेने के बाद, प्रो शो जीतने के बाद आप ओलंपिया जा सकते हो। बट मैं आप सभी लोगों को बस एक प्रॉमिस जरूर करूंगा कि या तो इस साल के लास्ट में या अगले साल, मतलब मैं फेडरेशन स्विच करूंगा, और मैं अभी 2-3 महीने अपने सारे काम वाम थोड़े वो कर रहा हूँ, डिस्ट्रीब्यूटेड कर रहा हूँ, इज जस्ट बिकॉज कि मुझे ओलंपिया जाना है यार एक बार। सर मेरा एक और क्वेश्चन है। हाँ, पूछ रहा है सर, रेगुलर जिम जाने की मोटिवेशन और डिसिप्लिन कहाँ से आता है? मेरा तो मंडे ही नहीं आ रहा सर। वो एक होता है ना, नेक्स्ट मंथ और मंडे एक साथ आएंगे, या नेक्स्ट मंथ जाएंगे या मंडे जाएंगे, वो एक साथ नहीं आ रहा। एक्चुअली मुझे ये लगता है कि मोटिवेशन बहुत ना हाइट है, हाइट वर्ड है मोटिवेशन। आप मानो मैं साल में 365 दिन, हफ्ते में 7 दिन, ठीक है, मोटिवेट नहीं रह सकता यार। मोटिवेशन इज लाइक आना जाना चीज। तो आप मोटिवेशन तो भूल जाओ, छोड़ दो, ठीक है। मेहनती तुम सभी लोग, मैंने अपने अराउंड में एक भी कोई इंसान आज तक ऐसा नहीं देखा जो मेहनत ना करता। मैं इधर देखता हूँ, मैंने कहा ये मेहनत करता है, ये भी मेहनत करता है। 2500 प्लस 2500 नहीं कर सकते भाई, 2500 में आप 500 कैलोरी बढ़ा दो, और अगर वजन घटाना है तो 500 कम कर दो, ठीक है, हफ्ते की। तो जब आप हर दिन वो 500 कैलोरी एक्स्ट्रा खाने लगोगे तो आपकी बॉडी उसको अडॉप्ट भी करेगी, और अडॉप्ट करने के बाद जो आप बोल रहे हो साइड इफेक्ट कुछ भी वो नहीं होंगे। इनफैक्ट उस सीरीज वी प्रेजेंट अ टोकन ऑफ थैंक्स टू सर। तेरे साथ हैं, और तब ये मान लेना यही तेरे विजयी होने का आभास है।
थैंक यू।